सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कल चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया, जिसमें यह बात सामने आई कि 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक तमाम पार्टियों को भर भर कर चंदा मिला। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी चंदे का मामला जोर पकड़ चुका है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन जो डेटा जारी हुआ है अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से पूछा, बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया, अल्फा न्यूमेरिक नंबर क्यों नहीं बताया, बॉन्ड खरीदने भुनाने की तारीख कहाँ है, बैंक ने पूरा डेटा क्यों नहीं जारी किया, किस दानदाता ने किस पार्टी को चंदा दिया। ये वो सवाल है जो कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछे हैं। पिछले काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि कई राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है वो कौन लोग देते हैं और कितना चंदा दिया जा रहा है, तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इस मामले पर पिछले काफी समय से सुनवाई भी चल रही थी। इसी सुनवाई के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया कि उन तमाम जानकारियों को अपने वेबसाइट पर डालें। अब उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई जो जानकारियां जो है वो अपने वेबसाइट पर तो डाल दिया, लेकिन अभी भी उसमें से तकनीकी तौर पर कई जानकारियों को साझा नहीं किया गया है। लिहाजा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त निर्देश जारी किया गया और कहा गया कि सोमवार को उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाए। तो दूसरी तरफ अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी के साथ ही कई पार्टियों को चुनावी चंदा मिला है। दानदाता ने बीजेपी को 6060 करोड़ चंदा दिया, टीएमसी को 1609 करोड़ चंदा मिला, कांग्रेस पार्टी को 1421 करोड़ का चंदा मिला, यानी ज्यादातर पार्टियों को चुनावी चंदा मिला है और बयानबाजी भी चौतरफा हो रही है। कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन सबको करना पड़ता है और इलेक्शन कमीशन में उसका पालन करते हुए जो डेटा था उनके पास उन्होंने वह अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। देखिए, मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूँ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60% बीजेपी को गया है, और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जो जिन्होंने चंदा दिया है उनको क्या कहां कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत। दरअसल चुनावी चंदे की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि सभी सियासी दलों की दहलीज पर लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक होने से सियासतदानों की टेंशन बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात करते हैं दोस्ती प्यार